ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਗਾਇਸ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਭ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਿਊ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਾਂ ਹਾਊ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਆਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਕਿਵੇਂ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰਸ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੈਟਸ ਇਸ ਟਫ ਲਾਈਫ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਬਾਈ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ फिजिक्स वाला 2016 में एक ट्राइपॉड और मोबाइल फोन से शुरू हुआ ये चैनल आज के तारीख में 8000 करोड़ का एक बिजनेस बन चुका है। बीबी की वाइंस एक सेलफोन 8000 करोड़ फोन और दुपट्टे से चालू हुआ ये चैनल इतना ग्रो कर चुका है कि भुवन बाम ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है। बियर बाइसेप जिसने इनिशियली लोगों को सब्सक्राइब कराने के लिए जगह जगह पर पैम्फलेट बेचे थे आज 3 स्टार्टअप्स का फाउंडर है। आखिर ये सब कैसे हो पा रहा है यूट्यूब और सोशल मीडिया के इस इकोसिस्टम में? वेल चलिए शुरू करते हैं हमारी सबसे पहली कहानी से, जो शुरू होती है 2016 में एक सेलफोन और एक ट्राइपॉड के साथ। आज की तारीख में फिजिक्स वाला की वैल्यूएशन क्या है? Well, $1.1 billion यानी 8000 करोड़ प्लस। फिजिक्स वाला के फाउंडर का नाम आलक पांडे है और आलक सर को बचपन से ही फिजिक्स में बहुत ही इंटरेस्ट था और इसीलिए उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग परस्यू करने का प्लान किया। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना कदम रखते ही उन्होंने ये देखा कि यार कॉलेज में तो हर चीज बस रटाई जा रही है। उन्हें जो फिजिक्स में सीखना था और प्रमोट कराना था वो तो कॉलेज में हो ही नहीं रहा था और इसीलिए अपने थर्ड ईयर में उन्होंने इंजीनियरिंग से ड्रॉप लिया और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाना शुरू कर दिया। अब ये देखकर ऑब्वियसली एज लाइक नॉर्मल इंडियन पेरेंट्स उनके पेरेंट्स भी काफी परेशान थे क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने अपने एजुकेशन से ड्रॉप लिया था और कोचिंग क्लास में उनकी सैलरी महज 5000 रुपए थी। बस ऐसे वक्त में भी आलक सर के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, कुछ और ही चीज उन्हें परेशान कर रही थी और वो ये था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कम दाम में कैसे दिया जाए और देखा जाए तो ये फिजिकल मीडियम के थ्रू पॉसिबल नहीं होते हुए दिख रहा था और इसीलिए 2016 में उन्होंने यूट्यूब पे अपना सबसे पहला लेक्चर अपलोड कर दिया। इसके बाद यूट्यूब उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म लगा और वो रेगुलर होना शुरू कर दिए और एक ही साल में उनके 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। अब एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म में इतनी बड़ी रीच को देखकर और बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन दे पाने का पोटेंशियल देखकर उन्होंने कोचिंग क्लास को छोड़ देने का प्लान किया और यूट्यूब को अपना फुल टाइम करियर बनाना डिसाइड कर लिया। एंड फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे 2022, आज भी आप यही सेम चीज देख रहे हो। उनके रिसेंट लॉन्च हुए JEE कोर्सेज सिर्फ 4200 के थे और ऐसे ही उनके सारे कोर्सेज आज कुछ उतने ही प्राइजेस में बिक रहे हैं। एंड माइंड यू ये पूरे साल की फीस है। अब आप ही बताओ हाई क्वालिटी क्या हुआ था, क्वालिटी एजुकेशन के रेट अगर इतने कम हो तो कोई भी बच्चा उसे परस्यू करने का क्यों नहीं सोचेगा और इसीलिए उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज पढ़ाई नू एक तंदा एक जिन्हों कहते हैं एक माफिया ने क्रिएट किया उस बंदे ने उस चीज नू डिफरेंट एक इंस्टीट्यूशन जो साल दे लख लख डेढ़ लख रुपए फीस लेते हैं वो बंदा 5-10 हज़ार पढ़ा रहा है तो उन्होंने वधिया पढ़ा रहा है रटा नहीं रहा समझा रहा है जिसमें भी अपने चैनल को खोले क्वालिटी दो तुसी थोनों लोग अपने आप देखेंगे थोनों सब्सक्राइब करेंगे थोनों लाइक करेंगे थोनों ऑब्वियसली थोनों उस चीज का रेवेन्यू आएगा ही आएगा जे तुसी वधिया काम कर रहे हो ताकि इंडिया के हर कोने तक बच्चा एजुकेशन को एक्सेस कर सके। इनका इंडिया में एजुकेशन को इसी तरह वाइडली अवेलेबल करने का ये मिशन देखकर एजुकेशन फोकस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म GSP वेंचर्स और वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने रिसेंटली इनिशिएटिव में इनके कंपनी में $100 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं। अब इतने बड़े अमाउंट की फंडिंग किसी भी कंपनी में यूं ही ऐसे ही नहीं की जाती बल्कि $100 मिलियन बिजनेस की एबिटा मार्जिन देखी जाती है जो कि एक एफिशिएंट बिजनेस का इंडिकेटर होता है और इस विषय में मिस्टर पांडे के हिसाब से फिजिक्स वाला की एबिटा रेटिंग है 60%। लेकिन इसके अलावा भी इन फर्म्स के PW में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने के पीछे दो और फैक्टर्स भी है। सबसे पहला है PW की ऑर्गेनिक ग्रोथ। अब एजुकेशन सेक्टर इंडिया में एक बहुत ही बड़ा और प्रॉफिटेबल सेक्टर है, इनफैक्ट इतना बड़ा कि आप इसी से अंदाजा लगाओ कि आपको हर गली में कोई ना कोई क्लासेस या कोचिंग सेंटर तो मिल ही जाएगा। अब ऐसे में कोई एक नया प्लेयर मार्केट में उतर जाता है तो हो सकता है कि वो लोकली सक्सीड कर जाए लेकिन एक बड़े रीजनल लेवल पर आने के लिए उसे मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ेगा और क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्लासेस किसी लोकैलिटी में होते हैं तो लोकली एडवर्टाइज करने के लिए उन्हें ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग का सहारा लेना पड़ता है जिसकी बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर्स, चलते बसेस पर अपना प्रमोशन कराना एटसेट्रा एटसेट्रा और इन सब के मिनिमम स्पेंडिंग रेट्स इतने होते हैं। लेकिन इतना सारा प्रमोशन करने के बाद भी कस्टमर्स आए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। अब यहाँ पर PW अपने आप को कैसे डिफरेंशिएट करता है आइए वो देखते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने कोचिंग की शुरुआत ऑनलाइन या फिर कहो डिजिटल प्लेटफॉर्म में की थी तो अच्छा कॉन्टेंट देखकर ऑर्गेनिकली यानी कि नेचुरली उनकी ऑडियंस ओवरऑल इंडिया में इतनी बढ़ गई है कि उनका जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है वो बहुत ही लो है यानी कि कस्टमर एक्विजिशन
कॉस्ट वो कॉस्ट होता है कि आप एक कस्टमर को एक्वायर करने के लिए कितना पैसा प्रमोशन और मार्केटिंग में डाल रहे हो, बट उनका जो कोर कस्टमर बेस है वो ऑर्गेनिकली ही आ रहा है, एंड एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज जो इनऑर्गेनिकली अपने कस्टमर्स को लाती है, ही डेफिनेटली हैज अ बिग एडवांटेज। एक और एक चीज जो ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आलोक सर ने अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बिजनेस रिलेशनशिप भी क्रिएट किया, उन्हें अच्छे दाम में बेस्ट कोर्सेज बेचकर, और इस बिजनेस रिलेशन का इन्वेस्टर्स ने बेसिकली पे किया। बट अब यहीं पर एग्जैक्टली दूसरे इन्फ्लुएंसर्स पीछे रह रहे हैं, और ऐसा इसीलिए क्योंकि इंसान सोचता है कि अपना वेबसाइट या ऐप बनाना बहुत ही मुश्किल काम है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल काम डेटा निकालना कि भाई क्या बिक रहा है और क्या नहीं बिक रहा। एंड यू नो व्हाट, यहीं पर एग्जैक्टली हैबिटेट प्लेटफॉर्म आपकी बहुत मदद करेगा। ओके, तो प्रमोशन आगे तो थोड़ा आगे कर लिए, ठीक है। तो जिन थोड़ा जो किसी ने पे इस हैबिटेट ऐप बारे जानना है तो तुझे जाके ब्रो दी चार्ट देख सकते हो, मैं थले वेबसाइट का लिंक पा दूंगा, जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा पीडब्ल्यू अब सिर्फ एडटेक तक ही लिमिटेड नहीं है। इनफैक्ट 2021 में इनके ऑफलाइन लोकेशंस इनॉग्रेट करने के बाद ये अब ऑफलाइन कोचिंग के मार्केट में भी एंटर कर चुके हैं। नाउ माइंड यू, इनके फिजिकल लोकेशंस के कोर्सेज के रेट्स भी सेम ही हैं। सो अगर रेट सेम हो और ऑडियंस इतनी बड़ी हो और इंडिया के दिल्ली, कोलकाता, मुंबई जैसे मेजर हब्स में इनके कोचिंग सेंटर्स ओपन हो, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ये वाला मार्केट भी डोमिनेट करेंगे? सो या, दिस इज ट्रूली एन इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु स्टार्टेड ऑन YouTube। बट यहां पर एक और, जहां पर फिजिक्स वाला फिजिक्स के तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, वहां पर एक दूसरा बंदा था जो फिजिक्स से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, और ये बंदा जिसका नाम है जैक कॉन्टे का आइडिया पेट्रियन आज $4 billion का बिजनेस बन चुका है। नाउ फॉर ऑल ऑफ यू हु डू नॉट नो व्हाट पेट्रियन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक आउट वेदर यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस और दूसरे क्रिएटर्स अपना अकाउंट बना सकते हैं, और उनकी ऑडियंसेस उन्हें सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मंथली डोनेशन देकर उस कंटेंट क्रिएटर के नॉर्मल कंटेंट से कुछ एक्स्ट्रा चीजें एक्सेस कर सकती है। अब ये आइडिया आया किसे? वेल, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक स्ट्रगलिंग यूट्यूबर और उसके कॉलेज रूममेट को। सो कहानी कुछ ऐसी है कि जैक कॉन्टे, जो कि पेशे से एक फिजिक्स स्टूडेंट था लेकिन अपने दिल से एक आर्टिस्ट, उसने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपनी फिजिक्स की डिग्री को अधूरा छोड़कर अपने फेवरेट सब्जेक्ट म्यूजिक को परस्यू करना शुरू कर दिया। और फिर कॉलेज खत्म होने के बाद वो और उनकी गर्लफ्रेंड नैटली अपने बैंड पॉम्पला मूस का म्यूजिक बनाकर और उसे बेचकर अच्छा खासा पैसा कमाने भी लग गए थे। लेकिन स्पॉटिफाई जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज के आने की वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। अब इसी स्ट्रगल के वक्त जैक ने ये नोटिस किया कि उसकी फेलो फ्रेंड और म्यूजिशियन लॉरेन कॉनल ने क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म किकस्टार्टर पर एक कैंपेन पोस्ट किया था, एक ऐसा कैंपेन जो उनके एल्बम को रिकॉर्ड और मिक्स करने के लिए एक फंड रेजर का काम कर रहा था, जिसमें यू वोंट बिलीव पर $13,000 रेज भी हो चुके थे। और इसे देखकर जब जैक और नैटली ने गोल 9,000 जैसे ना 13,000 हो गए, अपना कैंपेन स्टार्ट किया, तो उन्होंने अपने दोस्त के डोनेशन अमाउंट के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला और फंड रेजर से उन्होंने $100,000 से भी ज्यादा रेज कर लिया। सो यहाँ पर जैक ने थोड़ा सा गौर किया और उसने सोचा कि अपने फेवरेट क्रिएटर्स को इतने सारे लोग मिलकर सपोर्ट करने के लिए बेशक तैयार है, लेकिन किकस्टार्टर जैसे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पर लोग सिर्फ वन शॉट कैंपेन ही कर सकते हैं, मतलब कि उन प्लेटफॉर्म्स में बल्क में सिर्फ एक ही बार पैसे आते हैं, ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम वहां पर बना रहे। सो वहां पर जैक को क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स में एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम का वैक्यूम दिखाई दिया। और बस फिर क्या था, जैक ने अपने पुराने रूममेट सैम यॉम को कॉल किया जो कि एक बहुत बड़ा डेवलपर बन चुका था, उसे फोन घुमाया और ये आइडिया सुना दिया, जिस आइडिया को सुनकर सैम इतना ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उस पर काम करना वो दोनों तुरंत शुरू कर दिया। और फाइनली 2013 में इन्होंने जिस प्लेटफॉर्म को सिर्फ 4 लोगों के साथ लॉन्च किया था, आज उसी प्लेटफॉर्म पर 200,000 से भी ज्यादा क्रिएटर्स है, जिसमें से कुछ क्रिएटर्स तो महीने के 1-2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा रहे। मतलब कल्ले ने रोटी नहीं खाती, लोगों ने भी रोटी खवाई ना, ये बहुत बढ़िया चीज होती है, वो भी पेट्रियन से। अब फ्रेंड्स, यूट्यूब पर हर सक्सेस स्टोरी बिलियंस की नहीं होती लेकिन कुछ मिलियंस की भी होती है, और वो भी बहुत ही इंस्पिरेशनल होती है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं उस इंसान की जिसे कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, भुवन बाम, जिसने शुरुआत बस सिर्फ एक फोन के कैमरे से की थी, कुछ फनी कैरेक्टर्स बनाए और आज वो इंडिया के सबसे बड़े क्रिएटर्स में से एक है। इतना बड़ा कि आज भुवन बाम ने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस बीबी की वाइंस प्रोडक्शन लिमिटेड खोल लिया है।
YouTube पर अपना खुद का एक शो ढिंडोरा के अलावा Hotstar पर अभी उनका एक और एक ताजा खबर नाम का शो चालू होने वाला है, और इसका मतलब यह है कि बीबी अपना बिजनेस एफिशिएंटली मैनेज कर रहा है। लेकिन आज के मॉडर्न समय में बिजनेसेस मैनेज करना इतना इजी नहीं है, स्पेशली डिजिटल कंटेंट का बिजनेस, कि आज इस अटेंशन ग्रैबिंग एरा में अगर क्रिएटिविटी को अच्छे से मैनेज नहीं किया जाएगा तो आपका कंटेंट किसी के सामने नहीं आएगा। इनफैक्ट आज के समय में हर क्रिएटिव फोर्स को एक एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की जरूरत है, जो सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड काम को अच्छे से संभाले। अब एक छोटे से स्केल पर इंसान दोनों रोल जरूर प्ले कर सकता है, लेकिन हम एक बड़े स्केल की बात करें जैसे बीबी की वाइंस के केस में, तो एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट क्रिएटिविटी का बैकबोन बन जाती है। और भुवन बाम अगर बीबी की वाइंस का फेस है तो उसका लॉन्ग टर्म फ्रेंड रोहित राज बिजनेस का बैकबोन है। ये वो एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने बीबी के कॉन्टेंट को एफिशियंटली मोनेटाइज किया, उसे मैक्सिमम लोगों के सामने लाया और बीबी को आज एक ब्रांड बनाया। और ये बात बीबी ने भी खुद एडमिट की है कि आज वो उस मुकाम पर शायद नहीं होते अगर रोहित राज उनके साथ नहीं होता। नाउ सिमिलर टू बीबी, रन हर बंदे की सक्सेस के पीछे औरत का जरूरी नहीं हाथ हो, एक लड़के का भी हो सकता है। रणवीर अलाबादिया उर्फ बियर बाइसेप्स ने भी काफी हम्बल बिगिनिंग से शुरुआत की थी। इनकी जर्नी फिटनेस, वेट लॉस और बॉडी बिल्डिंग के टिप्स से शुरू हुई थी, और आज इन्होंने मंक एंटरटेनमेंट, बिग ब्रेन को और लेवल जैसे बड़े बड़े स्टार्टअप शुरू किए, जिस वजह से एस्टीमेट किया जा सकता है कि रणवीर की नेटवर्थ अराउंड 50 करोड़ हो सकती है। नाउ इन वेंचर्स में रणवीर क्रिएटिव फोर्स के साथ लार्जली एक एंटरप्रेन्योरियल फोर्स भी रहा है, मगर इन वेंचर्स के सक्सेस के पीछे सिर्फ रणवीर ही नहीं बल्कि उसका फ्रेंड और को-फाउंडर ऑफ मंक एंटरटेनमेंट, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, उसके सीईओ विराट शेठ का भी हाथ है। सो फ्रेंड्स, ये सभी स्टोरीज काफी इंस्पिरेशनल है, लेकिन एक सेकेंड, इससे पहले आप अंधाधुन पैसों के पीछे भागने लगो, मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि ये सिर्फ सिलेक्टिव केसेस है, और ये लोग सक्सेसफुल हो पाए हैं क्योंकि इनके पास इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज थे एंड ऑब्वियसली हार्डकोर एग्जीक्यूशन। बट यहाँ पर एक और एक बात आती है, वो होता है टाइमिंग भी। किसी भी इंडस्ट्री में टाइमिंग भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो बहुत सारे क्रिएटर्स, इवन मैं इंक्लूडिंग, हमने जब स्टार्ट किया था तब YouTube के रूल्स थोड़े इजी थे क्योंकि कंपटीशन कम था, और अब कंपटीशन ड्रास्टिकली बढ़ चुका है। सो इट रिक्वायर्स यू टू बी मोर क्रिएटिव, मोर इनोवेटिव एंड मोर हार्डकोर विथ योर एग्जीक्यूशन, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप अपने आप को डिफरेंशिएट सबसे बेहतर करो। कॉम्पिटिशन के साथ डिसएडवांटेजेस बिल्कुल आते हैं, लेकिन कुछ एडवांटेजेस भी आते हैं, और वो है एक ग्रोइंग मार्केट। YouTube पर आज 1.3 करोड़ चैनल्स है, और हर इंडस्ट्री की तरह इस इंडस्ट्री में भी इस भीड़ से आगे चलने के लिए आपको यूनिक बनना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप इंडियन यूट्यूब स्पेस में घुसना चाहते हो। क्योंकि अगर आप सोशल ब्लेड के सिर्फ इन्हीं स्टैट्स को देख लो, यूएस और इंडिया के टॉप यूट्यूबर्स की इनकम में कितना डिफरेंस, मतलब यार वो 56 डेली एवरेज व्यूज देख लिए तो वो एवरेज व्यूज भी बहुत फर्क है ना। जे हर रोज का कैरी में आती 1-1.5 लाख रुपया कमा रहा है, ठीक है, तो जी अमेरिका की सब तो ज्यादा कमाने वाली है वो $2.5 लाख कमा रही है, ठीक है, यानी कि करोड़ डेढ़ करोड़ के बीच, तो वो फिर व्यूज का भी कितना फर्क है। कैरी 7.87 मिलियन कमा रहा है, बना रहा है डेली का व्यू, ठीक है, पर वो 74.94 मिलियन व्यूज डेली देने, ठीक है, सो वो भी फर्क पाता है। बट एक सब तो वड्डी प्रॉब्लम इंडिया की है कि इंडिया की जी एड्स ना बहुत सस्तियां लग दें, इंडिया की उस हिसाब ना इनकम भी फिर घट होंगी है सू, है ना, ये चक्कर पैंता सारा। हुण जिवें जे आपां सिंपल एक गल कर लीए, इंडिया दे विच सिर्फ व्यूज की गल कर लीए पैसे दे पिछे, तो 1000 व्यू पिछे कुछ 30 भी नहीं कह सकते, 20-70-80 रुपये दे विच विच आते हैं। उही अमेरिका च गल करिए तां उन्होंने 400-500 रुपया बन जाता है 1000 व्यू पिछे, देख लो। और ये कोई छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है, वो साडे वर्गे रिएक्शन वाले के तो बिल्कुल ही मतलब बहुत ही घट आता है क्योंकि कॉपीराइट हुंदे ने, बल्कि लाखों डॉलर्स का डिफरेंस है। लेकिन दुबई की एक मीडिया एजेंसी GSI, जो कि ग्लोबल मीडिया इनसाइट्स है, उसके एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से इंडिया YouTube का लार्जेस्ट मार्केट है, क्योंकि हमारे यहाँ ही सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। और इतना बड़ा मार्केट होने के बाद भी इनकम में इतनी डिस्पैरिटी क्यों है, इसके पीछे का रीजन है CPM। CPM का मतलब होता है कॉस्ट पर माइल, यानी एडवर्टाइजिंग की भाषा में हर 1000 वीडियो प्लेज में कितने वीडियो प्लेज में एड रन हो रहा है। और इंडिया में इसके कम होने की वजह है लोगों की कम ऑनलाइन प्रेजेंस,
presents यूट्यूबर्स पे लो ट्रस्ट, स्मॉल एडवर्टाइजिंग बजट और पुअरली डिजाइंड मार्केटिंग प्लान्स। और ये भी एक फैक्टर बनता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स एड रेवेन्यू पर कम डिपेंडेंट होकर अपने बिजनेसेस खोलकर वहां से बड़ा इनकम कमा रहे हैं। बट दैट इज नॉट टू से कि यहां पर एड रेट्स नहीं बढ़ेंगे, धीरे धीरे करके यहां पर भी सुधार आ रहा है जैसे जैसे एडवर्टाइजर्स आर विलिंग मोर टू पे टू द क्रिएटर्स। सो होपफुली फ्रेंड्स ये वीडियो आप बिल्कुल मतलब फर्क पड़ता है, हौली 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 बंदे की इनकम बढ़ती जाती है। एक फर्क ये भी पैंदा है कि अमेरिका ते इंडिया का ना फर्क भी उस तरीके नाल उत्थे दे $10 यानी कि इंडिया का कुछ 700-800 रुपया उत्थे तुसी $10 की शायद कल्ली कॉफी ही पी लो, ठीक है, पर इंडिया च 700-800 रुपये तुसी किन्ना कुछ खा सकते हो। सो ये कुछ चीज़ां भी मैटर करदियां ने, ठीक है, जो इंडिया च भी 1.5 करोड़ रुपया ही जिवें डेली की कमा रही है कुड़ी, डेली 1.5 करोड़ रुपया कमा लग जाए तो पागल हो जूगा इंडिया इन्ना पैसा सामभिया नहीं जाना। सो मैं इदा कह रहा कि जो फर्क उन्ना ही पैंदा, कह रही जो डेली का 1 लाख रुपया कमा रहा है, महीने का 30 लाख रुपया कमा रहा है, या 25 भी कमा 40 भी कमा, ठीक है, क्योंकि वादी घट दी इनकम। सो वो भी बहुत ज़्यादा है एक इंडिया के हिसाब न, ठीक है, पर 30 लाख रुपया महीने का गिरता होगा ना तो कुछ भी कर सकते हो इंडिया के, कुछ भी लिटरली, ठीक है, पर इदा सेम अमेरिका च भी है 30 करोड़ रुपया गिर रहा थोड़ा, ठीक है। सो उस फर्क पैदा $2.5 लाख अमेरिका च, कई लोग ऐसे हैं बड़े बड़े जॉब्स से लगे लोग साल का भी इन्ना पैसा नहीं कमाते हैं, ठीक है। सो यूट्यूब एक बहुत बड़ी चीज़ है, मैं थोड़ा सारे ये गल कहूँगा जरूर जो थोड़ा लगता थोड़े कोई टैलेंट है तुम कुछ कर सकते हो पर्टिकुलरली, ठीक है, तो उस चीज़ में पाओ, उस चीज़ का चैनल बनाओ करो, ठीक है। मैं जो शुरू किया दिन का 30-50 व्यू आते मेरी स्टार्टिंग वाली वीडियोज़ से, ठीक है, तो हूँ ठीक है, चलो मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कहना बट फिर भी कोई 5-10 हज़ार व्यू डेली का एटलीस्ट एवरेज हर वीडियो तो हैगा ही हैगा, ठीक है, ज़्यादा उस तो भी ज़्यादा हो जाते हैं कई बार, कोई हूँ जिम्मे सिद्धू का SYL गाना आया सीगा, मेरे मेरे एक दिन 3 लाख व्यू आए ने उस गाने के रिएक्शन के उत्ते, 3 लाख 24 आवर्स तो भी घट टाइम 22 घंटे आए थे, तो तुम खुश हो सकते हो, है ना, टाइम लगता है पर हर कुछ होंगे, खिंच के रखो काम जो तुम्हें तो कुछ भी गेमिंग होगी, कोई फैशन होगा, कोई लाइफ स्टाइल होगा, कुछ हो गया, पर वीडियो पाओ करो काम बस, ठीक है, दैट्स ऑल मेरे से, रिएक्शन है, सत श्री अकाल।